उदाहरण चार, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हल, प्रश्न में हमें विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है और हम जानते हैं कि विभवांतर V बराबर होता है I R, जहां I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। तो विभवांतर ज्ञात करना है जिसके लिए हमें विद्युत धारा के मान ज्ञात करना विभवांतर ज्ञात करना है तो V बराबर I R से हमें R का मान भी चाहिए और I का मान भी। प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें R का मान दिया गया है 4 ओम और ऊष्मा H बराबर हमें दिया गया है 100 जूल। तो पहले हम H और R की सहायता से I का मान ज्ञात कर लेते हैं और उससे हम विभवांतर ज्ञात कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि जूल के तापन के नियम के अनुसार H बराबर होता है I स्क्वायर R T, जहाँ I जो है वो विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और T समय है। चलिए हम मान रख लेते हैं, H का मान हमारे पास 100 जूल दिया हुआ है, I का मान हमें ज्ञात करना है, प्रतिरोध हमारे पास है 4 ओम और प्रति सेकंड कहा गया है, इसलिए T का मान 1 हुआ। अब यहाँ से I का मान ज्ञात करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं I स्क्वायर बराबर, मान रख लीजिए 100/4। तो I स्क्वायर का मान हो गया 25 और इस प्रकार I जो है वो हमें मिलेगा 5 एम्पियर। चलिए आगे हल करते हैं। तो जैसा कि ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं के नियमानुसार V बराबर आई आर, जहाँ अब हमारे पास I का मान है 5 और प्रतिरोध दिया गया है 4 ओम, यानी कि विभवांतर हमें मिला 20 वोल्ट का। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ। नोट, बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु की लंबी एवं पतली तार का बना होता है। बल्ब के अंदर यह तंतु ऐसा आभासित होता है कि यह बहुत छोटा है, केवल कुछ इंच लंबाई का, परंतु वास्तव में इसकी लंबाई कई फीट होती है, जिसे तंग कुंडली में बनाया जाता है।